अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 29, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 4 में से है। चैप्टर नंबर 4 आपको पता है वर्क एंड एनर्जी, जिसके दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट था रिलेटेड टू वर्क और सेकंड था रिलेटेड टू एनर्जी एंड पावर। सो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट शुरू किया था और हम लोगों ने कल पहला टॉपिक पढ़ा था वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स। हम लोगों ने डिफाइन किया था कॉन्स्टेंट फोर्स क्या होती है। ऐसी फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्स एक्सिस पर ली हुई है, इसके मजीद बढ़ने से या चेंज होने से इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसा कि आप ग्राफ से देख सकते हैं, ये एक ख़ास वैल्यू के ऊपर टिकी हुई है, ये इंक्रीज़ नहीं हो रही, ये डिक्रीज़ नहीं हो रही, ये कांस्टेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के चेंज होने के साथ साथ अगर फोर्स की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम आ रही हैं, तो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, वो मुसलसल सेम है। हमने देखा था कि वर्क डन हमारे पास क्या है। जब भी किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगती है और डिस्प्लेसमेंट पैदा होती है तो हम कहते हैं वर्क हुआ है। और इक्वेशन के मुताबिक ये डिपेंड करता है फोर्स की वैल्यू पे, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के ऊपर और कॉस थीटा की वैल्यू के ऊपर। तीनों की वैल्यूज जितनी ज़्यादा होंगी हमारे पास वर्क डन की मिकदार उतनी ही ज़्यादा होगी, और इनकी वैल्यूज जितनी कम होगी या ज़ीरो हो जाएगी तो वर्क डन भी क्या होगा, कम हो जाएगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा। हमने देखा था कि जी डॉट प्रोडक्ट के बाद आता है तो वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट या जिसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसके बाद आने वाली जो भी क्वांटिटी हो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। हमने थीटा की वैल्यूज का फ़र्क देखा था। हमने कहा था कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा पूरा तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज कॉस थीटा ज़ीरो हो जाएगा उसकी वजह से, कॉस ऑफ 90 ज़ीरो। लेस देन 90 होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, और हमारे पास अगर ग्रेटर देन 90 होगा एंगल एफ और डी के दरमियान में, तो हमारे पास वर्क डन जो होगा वो हमारे पास नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, उसकी वैल्यू नेगेटिव में निकलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही है, पॉजिटिव ही है, लेकिन नेगेटिव साइन हमारे पास उन दोनों चीज़ों के दरमियान में एंगल को शो कर रहा है। उसके बाद सबसे आखिर में हम लोगों ने वर्क डायग्राम, जिसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी कहते थे, हम लोगों ने कॉन्स्टेंट फोर्स के लिए डिफाइन किया था, ड्रॉ किया था। और हमने देखा था कि इसे वर्क डायग्राम क्यों कहते हैं, बिकॉज इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमारे पास टोटल बॉडी ने जो टोटल वर्क डन किया है उसके बराबर होता है। सो एरिया अंडर दिस ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन, दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्क डायग्राम। आज हम लोगों ने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। जिस तरह ये था वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स, आज हम लोगों ने सेम चीज़ें करनी है, सब चीज़ें सेम करनी है, डिफाइन करना है, इक्वेशन लिखनी है, ग्राफ बनाना है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे कांस्टेंट फोर्स थी और यह कांस्टेंट फोर्स के लिए इस्तेमाल होने वाला फार्मूला था, आज हमारे पास वेरिएबल फोर्स है। और आज हम लोगों ने एक फार्मूला जो बनाना है, बेशक इसको यूज़ करके ही बनाएंगे, लेकिन हम बनाएंगे वेरिएबल फोर्स के लिए, जिसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट थीटा वेरी कर रहे होंगे। हम लोगों ने इसको डिफाइन करना है वेरिएबल फोर्स को, और हम लोगों ने फिर इक्वेशन निकालनी है वर्क डन की, कि कोई एक एग्जांपल लेके इक्वेशन निकालेंगे, और उसके बाद अगेन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या जिसे वर्क डायग्राम कहते हैं हम लोग, इस वेरिएबल फोर्स की वजह से होने वाले भी एफ डी ग्राफ को जो ड्रॉ ज़रूर करेंगे हम लोग। तो डिफाइन करते हैं सबसे पहले वेरिएबल फोर्स को। तो हम लोग इसकी मदद लेते हैं, ऐसी फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से चेंज नहीं हो रही थी वो हमारे पास कॉन्स्टेंट थी, और जारी बात है जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से चेंज होती जाएगी, दैट विल बी अ वेरिएबल फोर्स। सो एक ऐसी फोर्स जो कि हमारे पास चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल फोर्स कहते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि हमारे ऊपर हर वक्त लग रही होती है, फोर्स ज़मीन की जो ग्रेविटी है वो खुद भी हमारे पास एक मिसाल है वेरिएबल फोर्स की, क्योंकि अगर हम इसकी इन्वर्स लॉ लिखें, इन्वर्स स्क्वायर लॉ, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ इक्वल टू मैस ऑफ फर्स्ट बॉडी, मैस ऑफ सेकेंड बॉडी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो ये वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है कि आर की या डिस्टेंस की, आर डिस्टेंस है यहाँ पे, इसकी वैल्यू चेंज होने से हमारे पे जो एफ जी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसके ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा, ये भी डिस्टेंस के चेंज होने से चेंज हो जाएगी। ये वाली जो थी वो डिस्टेंस के चेंज होने से चेंज नहीं हो रही थी, ये वाली जो है वो डिस्टेंस के चेंज होने के साथ साथ चेंज होती जाती है, इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी तरह जो स्प्रिंग होते हैं उनके अंदर एक खास किस्म की फोर्स होती है जिसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। अगर हम उसकी क्वेश्चन लिखें हुक्स लॉ की मदद से, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो बराबर होती है हमारे पास के एक्स के। और आपको पता है कि के अगर कॉन्स्टेंट है तो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा
लेंथ को बढ़ाओगे स्प्रिंग की, उसको डिस्टेंस उसका बढ़ाओगे, उसको स्ट्रेच करोगे या उसको कंप्रेस करोगे, तो उसका एक्सचेंज होगा और ज़ाहिर बात है रिस्टोरिंग फोर्स भी हमारे पास चेंज होती जाएगी। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी, कम करेंगे तो कम होती जाएगी। सो हमारे पास ये भी एक जो रिस्टोरिंग फोर्स है या जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये जो फोर्सेज हैं ये डिस्टेंस के चेंज होने से चेंज हो जाती हैं। सो दे आर वेरिएबल फोर्सेज, ठीक है, ये चेंज हो जाने वाली, ये एक जैसी नहीं रहती है, चेंज होती रहती हैं, तो वेरी करती रहेंगी, तो वेरिएबल फोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम लोगों ने इक्वेशन निकालनी है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जिसमें एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है और वो डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा है और वो वर्क डन भी कर रहा है, लेकिन वो जो फोर्स है वो वेरिएबल है। लेट्स से अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ कि अगर ये हमारे पास क्या है, अर्थ है, तो सारी बात है जब पार्टिकल यहाँ पे है सरफेस के ऊपर, तो इसके ऊपर फोर्स जो लग रही होती है वो हमारे पास पूरे वेट के बराबर होती है, एम जी। और जैसे जैसे ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो सारी बात है एफ़ की वैल्यू, आर जो होता है वो इन दोनों के दरमियान में जो फासला है, वो जो पहले ज़ीरो था या बहुत कम था, वो इंक्रीज होकर हमारे पास पहुँच जाता है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू के ऊपर, जब चीज़ यहाँ से जहाँ जाती है, तो एफ़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका होगा। अगर हम लोग कहते हैं कि बॉडी यहाँ पे होती, इतना ज़्यादा ऊपर ना जाती, तो इसका मतलब है कि एफ़ की वैल्यू के ऊपर का थोड़ा सा कम फ़र्क पड़ता, और अगर मैं कहता हूँ मज़ीद नीचे होती तो फिर और कम फ़र्क पड़ा होता, और कम करता जाऊँगा और कम करता जाऊँगा तो ये जो फ़र्क है ये मज़ीद से मज़ीद कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ये मज़ीद से मज़ीद कम हो रहा है, कोई तो ऐसा स्मॉल सा डिस्टेंस आएगा ना दोनों बॉडीज़ के दरमियान में या दोनों पॉइंट्स के दरमियान में, जब ये जो फ़र्क है ये कम होते होते ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान में जो कि एक दूसरे से बहुत दूर हैं, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा वेरिएबल फोर्स देख रहे हैं, तो जारी बात है उस पूरे डिस्टेंस को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें, और कितना छोटा हिस्सा होना चाहिए, इतना छोटा हमारे पास चंक होना चाहिए उस रस्ते का कि हमारे पास उसके दरमियान में जो फोर्स के चेंज होने का एडिशन है हमारे पास वो इंतहाई कम हो जाए या ज़ीरो हो जाए तकरीबन। इसका मतलब है कि उन दोनों के दरमियान में फ़र्क ज़ीरो हो जाएगा, तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में फोर्स जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, और ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका मतलब है मैं कांस्टेंट फोर्स फार्मूला उधर अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंसिडर करते हैं एक एग्ज़ाम्पल, लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है जो ए से बी की तरफ जाती है इस रस्ते से, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, बॉडी ने यहाँ से जाना है इस तरफ, और हमें पहले ही बता देता है कि जी ए से लेकर बी तक जो फोर्स है वो वेरिएबल है, तो हमारे जहन में फ़ौरन आ जाता है कि मैंने अगर ये वाला फार्मूला यूज़ करना है तो मुझे अपने पूरे पाथ के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे, और क्या फ़ायदा होगा इन छोटे छोटे टुकड़े करने का, फ़ायदा ये होगा कि जितना छोटा टुकड़ा होगा हमारे पास उस टुकड़े के लिए या उस चंक के लिए हमारे पास उन दोनों के दरमियान में जो फोर्स होगी वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होगी, तो हम क्या कर सकते हैं ये कॉन्स्टेंट फोर्स वाला फार्मूला उधर अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से पॉइंट वन के ऊपर फोर्स है F1, पॉइंट टू पे है F2, पॉइंट थ्री पे है F3, और लेट्स से मैंने इससे कितने टुकड़े किए हैं, तीन चार सो ऑन, लेट्स से मैंने इसके n चंक्स किए हैं, n पीसेस बनाए हैं, n 200 भी हो सकता है, 300 टुकड़े भी हो सकते हैं, 400 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने टुकड़े रखने हैं, डिपेंड करता है कि ये कितना छोटा होना चाहिए, जितना ये ज़्यादा छोटा होगा उतने ज़्यादा टुकड़े करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो आखिरी पीस के ऊपर हमारे पास जो फोर्स है वो है Fn, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी है वो है डी वन डी टू डी थ्री एंड डी एन, और थीटा है थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री एंड थीटा एन। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हर एक टुकड़े के ऊपर जो फोर्स है जो वर्क है वो हम लोग अलग-अलग निकालेंगे। एफ डी कॉस थीटा में अप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरे पास एफ वन फोर्स थी और हमारे पास कॉस थीटा वन एंगल था और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट लेट से डी वन थी। इसी तरह सेकेंड पीस के लिए क्या होगा, सब कुछ वही, बस हमारे पास क्या हो जाएगा, हर एक चीज़ चेंज हो जाएगी। इसी तरह थर्ड के लिए अगर आप सोचें तो हो जाएगा F3 cos थीटा 3, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल हर एक टुकड़े पे वर्क ज़्यादा निकाल रहा हूँ, टोटल वर्क मैंने निकालना होगा A से लेकर B तक, तो मैं हर एक पीस के वर्क को ऐड कर दूँगा, क्योंकि स्केलर क्वान्टिटी है, टोटल निकालना है तो सिंपल ऐड कर दो, इसके अंदर डायरेक्शन का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, जिस तरह वैक्टर्स में होता है कि भाई ऑपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक करना है, सिमिलर डायरेक्शन है तो ऐड करना है, तो यहाँ पे सिर्फ ऐड ही करना है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, नो डायरेक्शन। इसी तरह अगर हम आखिरी पीस की बात करें कि जो nth पीस है उसके ऊपर फोर्स क्या होगी, एफ एन कॉस थीटा एन एंड डेल डी एन, और मैंने अगर टोटल वर्क निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं वन टू ऑल सारे वर्क को
ऐड अप कर दूंगा और मेरे पास बन जाएगा एफ वन कॉस थीटा वन डेल डी वन प्लस एफ टू कॉस थीटा टू प्लस सो ऑन टू एफ एन कॉस थीटा एन डेल डी एन। हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। और अगर हम देखें कि हम इस चीज़ को समराइज कैसे कर सकते हैं, तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं सिग्मा नोटेशन। और सिग्मा को यूज़ करेंगे तो हमारे पास, हमें पता है सिग्मा की अलामत ये है, और इसका काम होता है चीज़ों, ये जो ऑपरेटर है ये यूज़ होता है टू ऐड एवरीथिंग। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी चीज़ लिखी जा रही है इट शुड बी एडेड। जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं ये एडेड हैं, एडिशन हुआ इनका, तो ये सिग्मा इनकी एडिशन को शो करेगा। स्टार्ट हो रहा है वन से और एंड हो रहा है एन पे, तो मैं कहता हूँ जी कि आई एक वेरिएबल है जो कि वन से स्टार्ट हो रहा है और एन पे एंड हो रहा है, तो ये इसकी लोअर और अपर लिमिट है। लोअर क्या है, जहाँ से स्टार्ट हुआ और अपर जहाँ तक मैक्सिमम गया। और क्या आ रहा है इसके अंदर, कि इसके अंदर सारी चीज़ें एफ कॉस थीटा डेल डी हैं। वन आएगा तो वन लिखा जाएगा, टू आएगा तो टू लिखा जाएगा, एन आएगा तो एन लिखा जाएगा, और उधर क्या है आई, तो मैं उस जगह के ऊपर जहाँ पर वन टू आना है ये एन आना है, मैं वहाँ पे क्या पुट कर दूँगा आई। सो ये मेरे पास टोटल वर्क डन की इक्वेशन आ जाएगी फॉर वेरिएबल फोर्स। सो हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, तो इसकी डेरिवेशन और डायग्राम और इससे रिलेटेड जो भी स्टफ़ है वो आपको पता होना चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, अपने वर्ड्स के अंदर लिखना आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं बुक से वो आप लोगों ने वर्ड टू वर्ड पढ़नी है और एज़ इट इज़ जो है वो कॉपी करनी है आपने पेज के ऊपर। जस्ट इसको रीड किया करें, समझा करें, और अगर आप लोग अपने वर्ड्स के अंदर भी लिखते हैं और सही लिखते हैं उस चीज़ को समझ के, तो जारी बात है ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको, आप इसको सही तरह लिख सकेंगे। लास्ट चीज़ है जी हमारे पास एक ग्राफ, जिसको हम देखेंगे कि फोर्स जो है वो वेरी कर रही होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, यहाँ पे क्या करती है लेट्स से वेरी कर जाती है फोर्स। तो इस तरह के ग्राफ जिसमें ना प्रॉपर ट्राइंगल बन रही है ना हमारे पास प्रॉपर एक रेक्टेंगल बन रही है, उसके लिए हम क्या करते हैं, खुद से छोटी छोटी रेक्टेंगल बनाना शुरू कर देते हैं। अब रेक्टेंगल बना दी हैं और हमारे पास ये जो सारा एरिया होगा ये कवर हो जाएगा इसका, लेकिन हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है और जो गैप आ रहे हैं, सारी बात है ये हमारे पास एरिया में से मिस हो जाएंगे, तो सारी बात है हमारा जॉब थोड़ा सा कम आ रहा होगा, इसका मतलब है कि एक्यूरेट नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा एरर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए जो विड्थ है जिसको मैं कहता हूँ लेट्स से डेल डी, जो है ये हमारे पास विड्थ है हर एक रेक्टेंगल की, इसको मैं अप्रोच करवाऊँगा जितना छोटा हो सकता है। इसका मतलब है कि डेल डी की वैल्यू अप्रोचेस टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसकी विड्थ जितनी कम होती जाएगी हमारे पास ये जो ब्लैक गैप है जो कि मिसिंग एरिया है ये भी हमारे पास उतना ही कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि सिर्फ इस चीज़ के ऊपर हमने क्या करना है, इस वर्क इक्वेशन के ऊपर जस्ट हम लोगों ने लिमिट पुट करनी है कि डेल डी इज़ वेरी स्मॉल, बाकी सब कुछ वही है। तो ये हमारे पास जो होगा, ये हमारे पास वर्क डन जो होगा वो एरिया के बराबर होगा और हम लोग अपना जो आंसर है वो इंतहाई एक्यूरेट निकालेंगे अगर हम ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो ये था हमारे पास आज के टॉपिक के बारे में। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसको समझिएगा और इसे अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आगे जाके आसानी होती जाए। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने ज़रूर पूछना है। थैंक यू।